नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान पर भारत के साथ हामिद करजई ने कहा, पाक आतंकियों के लिए सेफ हेवन आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के सैन्य मदद का किया समर्थन। झारखंड के सीएम रघुवर दास बोले, जो भारत को अपना देश मानते हैं उन्हें गाय को माता मानने चाहिए। पूरा संघ परिवार गाय बचाने के मुद्दे को लेकर एकमत। दही हांडी उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध पर शिवसेना सख्त। आस्थाओं पर लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की दी नसीहत। कहा, सरकार निर्णय लेने में सक्षम। बिहार में बाढ़ की चेतावनी, गंगा खतरे के निशान से ऊपर। एनडीआरएफ को रखा गया अलर्ट पर। पंजाब और हरियाणा में तापमान में बढ़ोतरी। और रेलवे का यात्री सुविधाओं पर जोर, अब आप बैंक काउंटर से भी ले सकते हैं रेलवे टिकट। रेलवे के टिकट वेंडिंग मशीन के साथ बैंक में भी खोले जा सकते हैं काउंटर। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने बलूचिस्तान के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया है। भारत की यात्रा पर आए हामिद करजई ने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के दमन की बातें लगातार सामने आती है और पाकिस्तान की इस नीति का खामियाजा पड़ोस के और इलाकों के लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए हामिद करजई ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सेफ हेवन बना हुआ है। हामिद करजई ने साथ ही कहा कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, जो कि पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है। ये किसी के भी हक में नहीं है। आतंकवाद किसी के हक में नहीं है और अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और सबको शांति के साथ मसलों का हल ढूंढना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को कहा है कि जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं उन्हें गाय को माँ के रूप में मानना चाहिए। हालांकि दास ने जोर देकर कहा कि गाय बचाने की आड़ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय बचाने के नाम पर हाल में हुई हिंसक घटनाओं में पशु तस्कर शामिल हो सकते हैं। दास ने कहा, पूरा संघ परिवार गाय बचाने के मुद्दे को लेकर एकमत है। जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं उन्हें गाय को अपनी मां की तरह समझना चाहिए। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को गोरक्षकों पर अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा था कि इस तरह के समाज विरोधी तत्व रात को अपराधों में लिप्त रहते हैं और दिन में गोरक्षक बनने का ढोंग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव पर प्रतिबंध लगाए जाने पर शिवसेना ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शनिवार को कहा कि लोग हिंदू उत्सवों के संबंध में इस प्रकार की बाधाएं लगाने के प्रयासों को विफल कर देंगे। शिवसेना ने कहा, गणेश उत्सव, दही हांडी और नवरात्रि त्योहार सभी हमारी मान्यताओं का हिस्सा है। हमें निर्देश देने वाले न्यायालयों को कम से कम इस मुद्दे पर लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। शिवसेना ने कहा, लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनी है, ये काम सरकार को करने दीजिए। सरकार के शीर्ष लोग इस बात को जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि सरकार को नकारने और लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जाएगा तो सभी मोर्चों पर राष्ट्रीय व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विवादित बयान वाले ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा है कि वो ट्वीट बंगाल कांग्रेस ने नहीं किया। उन्होंने बताया कि मैंने अकाउंट हैंडल करने वाले से पड़ताल कर ली है। राजीव गांधी पर बहुप्रचारित ट्वीट बंगाल कांग्रेस ने नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा अकाउंट हैक किया गया है। अधीर ने कहा कि हम इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कृपया इसको पश्चिम बंगाल कांग्रेस के ट्वीट के तौर पर प्रचारित ना किया जाए। राजीव गांधी ने अपनी मां और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए सिख दंगों को लेकर कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। इस टिप्पणी को लेकर राजीव गांधी की आलोचना की जाती रही है। बिहार में फिर से बाढ़ आने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि गंगा और 4 अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पंजाब और हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तरी राज्यों में तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। गंगा के तट पर स्थित बिहार के जिलों को अलर्ट जारी किया गया। केंद्रीय जल आयोग ने गंगा बेसिन जिलों को चेतावनी दी है कि अगले 1 से 5 दिन में नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि एनडीआरएफ के दल पहले से ही पटना, वैशाली और गोपालगंज में हैं और उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। बयान में कहा गया है कि गंगा और 4 अन्य नदियां पुनपुन,
घाघरा, कोसी और बूढ़ी गंडक पटना, भागलपुर और बक्सर जिलों में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आने वाले दिनों में बैंक की शाखाओं से भी रेल टिकट जारी किया जाएगा। रेलवे के टिकट वेंडिंग मशीन के साथ ही बैंक में काउंटर भी खोले जा सकते हैं। यात्री सुविधा की सेवा विस्तार के क्रम में उत्तर मध्य रेलवे ये तैयारी कर रही है। शीघ्र ही इसके लिए SBI से करार किया जा सकता है। रेल बोर्ड का यात्री सुविधाओं के विस्तार पर लगातार जोर है। रेलवे कर्मचारी दूसरे कामों से मुक्त होकर सिर्फ यात्री सुविधाओं को बढ़ाने में जुटे, इसलिए पिछले दिनों SBI से रेल शक्ति योजना का करार हुआ। इस क्रम में अगला करार SBI शाखाओं में टिकट वेंडिंग मशीन इंस्टॉल कर और SBI शाखाओं में टिकट काउंटर खोलने का हो सकता है। इसे बैंक जाने वाले कस्टमर्स को रेल टिकट के लिए स्टेशन नहीं जाना होगा और रेलवे स्टेशन पर कतार भी कम होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने विश्व मानवता दिवस पर दिए गए एक संदेश में कहा है कि रिकॉर्ड 13 करोड़ लोग जीवित रहने के लिए सहायता पर निर्भर करते हैं और ये आश्चर्यजनक संख्या पृथ्वी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10वें देश के बराबर है। महासभा ने वर्ष 2008 में विश्व मानवता दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी ताकि उन मानवीय सहायता कर्मियों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने अपना काम करते हुए अपनी जान गंवा दी या घायल हो गए। ये दिवस मनाने के लिए 19 अगस्त की तारीख इसलिए तय की गई थी क्योंकि इस दिन वर्ष 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बमबारी हुई थी जिसमें इराक में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत सर्जियो वियरा डी मिल्लो समेत 22 कर्मी मारे गए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के ऊना में दलितों पर अत्याचार की घटना पर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधी दल गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। रूपाणी ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम में कहा, विपक्षी दल गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को बदनाम करने के लिए मुद्दे को जिंदा रखने में दिलचस्पी रखते हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी लेकिन राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये दावा भी किया और कहा, देश भर में दलितों पर अत्याचार के मामलों के आंकड़े साबित करते हैं कि गुजरात ऐसा राज्य है जहां उनके खिलाफ अपराध कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके नाम लिखे सूट को गिनीज बुक में जगह दी गई है। इसे नीलामी में बिके सबसे महंगे सूट का दर्जा दिया गया है। पीएम मोदी ने ये सूट अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान पहना था। बाद में सूट को गुजरात के सूरत के रहने वाले लालजी भाई तुलसीबाई पटेल ने नीलामी के दौरान खरीदा था। उन्होंने इस सूट के लिए 4,31,31,311 रुपए में खरीदा था। इस सूट की खासियत यह है कि इसमें उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है। इस सूट को लेकर प्रधानमंत्री को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। विपक्ष ने सूट को पहनने के बाद मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार बताया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद और इसके बाद कई बार इस सूट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला था। शोभा डे का रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय खिलाड़ियों को लेकर किया गया ये विवादित ट्वीट लोग भूले नहीं हैं और उसके लिए उन्हें माफ करने को भी तैयार नहीं हैं। संभवतः यही वजह है कि शोभा डे द्वारा ट्विटर पर बैडमिंटन में सिल्वर जीतने वाली पीवी सिंधु को लेकर किए गए उनके पिछले 2 दिनों के ट्वीट पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। शोभा डे के ट्वीट आलोचनात्मक नहीं थे लेकिन लोगों ने प्रतिक्रिया नाराजगी भरी दी। ओलंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर जीतने वाली देश की पहली महिला पीवी सिंधु को वर्ल्ड नंबर 1 कैरोलिना मारिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और वह भारत के लिए गोल्ड जीतने से वंचित रह गई। लेकिन देश ने उन्हें हाथों हाथ लिया और उनके जज्बे, उनकी मेहनत और उनके खेल के लिए उनकी तारीफों के पुल बांधे गए। 4 साल के प्रतिबंध और ओलंपिक खेल गांव से बाहर किए जाने से शर्मसार हुए पहलवान नरसिंह यादव अब डोप विवाद की लड़ाई को पीएमओ तक ले जाएंगे। पहलवान नरसिंह ने कहा कि उनका नाम तो बदनाम हुआ ही, इससे पूरे देश भर भी काला धब्बा लग गया और वे इसकी जांच करवाएंगे, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। नरसिंह यादव के मुताबिक वे प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए और सच सामने आना चाहिए, चाहे इसके लिए CBI का सामना ही करना पड़े। नरसिंह ने कहा कि अगर वह दोषी पाया जाता है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए।
जांच एजेंसी उनका नार्को टेस्ट कराए और इससे विवाद से जुड़े लोगों का भी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के बाद इस इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक स्टूडेंट ने अपना मैसेज भेजा है। करीमा बलोच नाम की इस स्टूडेंट लीडर ने रक्षाबंधन के मौके पर भेजे गए अपने संदेश में मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन करीमा बलोच का एक वीडियो एक्टिविस्ट तारिक फतेह ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में करीमा ने मोदी से कहा कि वह उन महिलाओं के भाई बन जाएं जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के जुल्मों का शिकार हुए अपने भाई खो दिए। करीमा ने यह भी दरखास्त किया कि मोदी बलूच लोगों की परेशानियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखे। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से। नमस्कार।